वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों आज हम अगेन बात करेंगे कार्डियो वर्कआउट की, और मेरे साथ साथ आपको भी करना है अपना वर्कआउट, क्योंकि मेरा भी वर्कआउट है और आप लोगों का भी वर्कआउट है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे थाई फैट की, जिनकी बहुत ज्यादा थाई है, ओके, पेट आगे बढ़ा हुआ है, टायर्स निकले हुए हैं, पीठ का फैट है निकल जाता है बाहर, ओके, पूरी बॉडी का फैट जिनका निकला हुआ है, उसके लिए आज हम कार्डियो वर्कआउट करेंगे। आपको मेरे साथ साथ करते जाना है, जैसे जैसे मैं करती जाऊं वैसे वैसे आपको करते जाना है। बहुत सिंपल एंड इजी वर्कआउट है, एंड स्पेशली मैं वर्कआउट तो आपको बताती बताती हूँ, साथ में मैं मेन फोकस करती हूँ खाने की तरफ। नई नई रोज मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको रोज बताती हूँ कि वर्कआउट भी आपको रोज करना है, साथ में आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। घर की चीजें खानी है, तीनों टाइम खाना खाना है, नो डाइटिंग, घर का खाना खाना है, सीजनेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खानी है, सब्जियां ज्यादा खानी है, दालें ज्यादा खानी है, और डिनर जो है 6:30 बजे यानी कि 7 बजे तक जो है अपना डिनर फिनिश कर लेना है, एंड जितना हल्का हो सके उतना हल्का आपको डिनर करना है, ओके। क्योंकि जितना वर्कआउट आपको पतला करने में और बीमारी से दूर रहने में मदद करता है, उतना ही हमारा खान पान भी हमारे पतले होने में और बीमारी से दूर करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मैं ना अक्षय कुमार जी का बहुत इंटरव्यू देखती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिट हैं और वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, जिनसे काफी मोटिवेट होती हूँ मैं, और वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि इंसान को ना 6:30 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद सिर्फ हमारे मुंह को भूख होती है, पेट को भूख नहीं होती। क्योंकि अगर आप 9-10 बजे खाना खाते हो ना, वो पचता भी नहीं है, एंड आप तो सो जाते हो, बट आपका पेट नहीं सोता। उस बेचारे को तो 3 मेहनत करनी पड़ती है खाना पचाने में, और खाना पचता भी है जब सुबह हो जाती है ना, और उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक होती है। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि अटैक के भी मेन कारण यही होता है कि आप लेट खाना खाते हो ना, और वो पचता नहीं है, उससे गैस्ट्रिक बनती है और फिर उसके हार्ट अटैक के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 6:30 बजे ना सही, पर 7 बजे तक जो है अपना डिनर कर लीजिए, जितना हो हल्का हो सके उतना कीजिए, वर्कआउट रोज कीजिए, खुद को टाइम दो, फिट रहो, हेल्दी रहो, ओके। तो आज हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है जो हमारी थाई फैट के लिए। मैंने आपको पहले बता दिया, थाई फैट, बेली फैट, पूरी बॉडी का फैट इंक्लूड है इसमें। इस तरह से आपको हाथ पीछे ले जाने हैं, ठीक है, ये वाली टांग उठानी है, एंड छूना नहीं है, जितना आप झुक सकते हो उतना झुकना है, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ, 1 2 ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। आप धीरे धीरे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके कंटिन्यू 30 करने हैं, आप 20 करो, 10 करो, और करो जरूर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ओके। टेक सम रेस्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फिर से शुरू हो जाना आपको, आराम आराम से अपना वर्कआउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ओके। मैंने केस के 80 सेट आपको कम से कम 100 करने हैं, 100 ना कर सको तो 18 तो करो, एंड 30 आप कंटिन्यू ना कर पा रहे हो, 20 20 लेके चलो, ठीक है। धीरे धीरे जो है अपना वर्कआउट शुरू करो, ओके। टेक सम रेस्ट, ब्रीद इन
ब्रीदिंग ब्रीद आउट। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ पीछे ले जाने, ऊपर ले जाने हैं, पीछे इस तरह से लेके जाने हैं, ठीक है। ज्यादा आपको झुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैर नहीं छूने, बट पीछे तक अपने हाथ लेके जाने हैं। देखो शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ, 1 2 3 ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओके, 21 22 23 24 25 26 27 ओके, 28 29 30 ओके। ये हमारे बेली फैट को बहुत जल्दी अंदर कर देती है, साथ में जिनका यहां से फैट लटका होता है ना मांस, वो भी बहुत जल्दी से कम हो जाता है। ओके, टेक सम रेस्ट, लंबी सी सांस लेनी है, मुंह से धीरे धीरे छोड़ देनी है। ओके, फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ओके, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, थोड़ी सी रेस्ट लेनी, 5 सेकंड की रेस्ट, फिर से शुरू हो जाना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके, 16 17 18 19 20 ओके। मैंने इसके किए 80 सेट, आप इसके 100 करना, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 30 कंटिन्यू ना कर सको, 20 20 10 10 लेके चलो, और वर्कआउट करो जरूर, ठीक है। ओके, टेक सम रेस्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब नेक्स्ट वाले शुरू करते हैं। मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि जंपिंग जैक करो, ठीक है, उससे बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होता है। बट सब कोई जंपिंग जैक्स नहीं कर सकता ना, हैवी वेट वाले भी नहीं कर सकते, और जो एज पीपल है वो भी नहीं कर सकते, है ना, और जो बिगिनर है उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। हम उसके लिए बहुत ही इजी वर्कआउट करेंगे जिससे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके, 1 ओके, इस तरह से ये वाली टांग ऊपर ले ली है, 1 2 शुरू हो जाने साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ओके, 30 किए, फिर से करेंगे। मेरा भी वर्कआउट है और आपका भी वर्कआउट है, आप जितनी मेहनत करते हो ना सेट उतने भी आप करोगे ना, और साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखोगे। श्योरिटी के साथ बोल रही हूं कि आपको बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर बेस्ट बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ज्यादा ना सही बट 1 किलो तो आपका कम होगा होगा, ठीक है। बट वही ना, वर्कआउट, खाना पीना क्या है, हम खुद के लिए खाएंगे, खुद का ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए तो वर्कआउट कर रहे हैं,
खाने पीने का ध्यान रखना है, खुद के लिए रखना है। मैंने कितना चेंजेस लाया ना अपने आप में, मैंने पहले मैं भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ठंडी हो गई थी, आलसी हो गई थी, वर्कआउट नहीं करना एंड थोड़ा सा चढ़ना सांस फूल जानी, ठीक है, नाक बंद रहता था और बस बैठे रहना। मैंने खुद को समझाया कि खड़ी हो, उठ, वर्कआउट कर, खुद को टाइम दे, खुद के लिए जियो, जब तक सांस है तब तक तो अच्छे से जीना है। जिसे मौत आनी आती रहे भाई, वो तो सबको मानना है, जब तक है 4 दिन की जिंदगी है तो स्वस्थ होके खुशी होके जियो। ओके, बीच बीच में ना मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ, इससे ना मैं भी मोटिवेट होती हूँ और मुझे आपको मोटिवेट करना भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ओके, टेक सम रेस्ट एंड अब सिर्फ एक और करेंगे, दैट इनफ है, ठीक है। ये एक्सरसाइज ही आप कंटिन्यू करोगे ना तभी बहुत जल्दी हाई का सब खत्म हो जाएगा। ओके, इस तरह से खड़े हो जाना, आपको टांगे थोड़ी सी खोल लेनी है। 1, ओके, 2, मिस ऐसा शुरू हो जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ओके, विदिन विदाउट, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ओके दोस्तों, तो इसके भी आपको 90 सेट करने हैं, ठीक है। एंड ये था हमारा आज का कार्डियो वर्कआउट फॉर बेली फैट, थाई फैट, होल बॉडी फैट। ओके एंड ठीक है दोस्तों, बाय बाय।